नमस्कार मित्रों, मैं मनीष शर्मा सेकंड साइट फाउंडेशन से। आज का टॉपिक है हमारा चक्र। 7 चक्र हमारे शरीर में होते हैं, इनके बारे में कुछ हम बात करेंगे। वैसे पहले भी मैं चक्रों के बारे में बता चुका हूँ, आप हमारे चैनल के अंदर जाके चक्रों के कुछ वीडियोस देख सकते हैं। लेकिन ये कुछ महत्वपूर्ण वीडियो है, क्योंकि चक्रों का जो वीडियो है अधिकतर हीलर लोग बनाते हैं या हीलर लोग उसको फॉलो करते हैं। लेकिन हम सब के शरीर में अगर चक्र हैं तो ज़रूरत तो हम सभी को है, तो इसलिए जो लोग हीलर नहीं हैं उनके लिए चक्र बना रहा हूँ, ये चक्र का वीडियो बना रहा हूँ। तो आप लोग क्या कर सकते हैं कि जिनके पास कोई भी ऐसी हीलिंग थेरेपी या चक्र को सुधारने का ज्ञान नहीं है, वो मेरे दिए गए नंबर पे व्हाट्सअप करें, उनको हम हीलिंग थेरेपी भी फ्री ऑफ कॉस्ट सिखाएंगे, साथ में चक्र ध्यान के लिए बिना हीलिंग थेरेपी के भी कुछ उपाय बताएंगे। जैसे कि हमारे शरीर में मुख्यतः 7 चक्र होते हैं, जो 7 चक्र गिने गए हैं, होते तो बहुत सारे चक्र हैं लेकिन 7 हमारी बॉडी के आसपास जो होते हैं उनको गिना गया। चक्रों को पहले अंदाजे से देखा जाता था, कुछ हाथ से सर्च करते थे कि चक्र बैलेंस है या अनबैलेंस है। आजकल नए ज़माने में क्रिलियान फोटोग्राफी आ गई, जिसके थ्रू फोटो खींच के और चक्रों को पहचाना जा सकता है कि चक्र बैलेंस है कि नहीं है। कुछ ऑरा स्कैनर भी आ गए हैं जिनसे भी चक्र का पता चलता है। तो हम चाहते हैं कि आप लोग चक्र के बारे में जानकारी लीजिए। नीचे से स्टार्ट करते हैं। पहला चक्र गिना जाता है रूट चक्र, जिसको कहते हैं मूलाधार। रंग लाल होता है इसका। साथ में इसका मंत्र होता है लम और इसका तत्व होता है पृथ्वी। यदि आपको कोई हीलिंग थेरेपी नहीं आती है तो मैं चाहता हूँ कि थोड़ा पतला सा कपड़ा कोई पहन के भूमि में मिट्टी में बैठने का प्रयत्न करें। और यह चक्र आपका बेस चक्र माना जाता है, जिसकी वजह से आपकी जो लाइफ का सेटलमेंट है, जो आप लाइफ सेटल करने वाले हो या भविष्य की जो चिंताएं हैं वो इससे जुड़ी हुई होती हैं। तो अगर भविष्य की चिंताएँ आप ख़त्म कर लेते हो तो ऑटोमेटिकली ये चक्र सही हो जाएगा, या भविष्य की और आप देखने के लिए उसके लिए कुछ कर्म करते हो तो ठीक हो जाएगा। दूसरा, आप लाल कलर का कपड़ा, लाल कलर का अंडरवेयर भी पहनना शुरू कर सकते हो, लाल कलर की बोतल में पानी पीना भी स्टार्ट कर सकते हो, साथ में पृथ्वी का टच जरूर करें। साथ में जितने भी हमने अपराध किए हैं पृथ्वी के ऊपर, उसके लिए रात्रि को पृथ्वी को टच करके क्षमा मांगें और सुबह उठते ही उसका धन्यवाद करें कि आपने अपने ऊपर हमें पूरा दिन चलने का अवसर दिया। दूसरे चक्र पे आते हैं। पहला चक्र आपके बिल्कुल रीढ़ की हड्डी के नीचे हो गया। दूसरे चक्र पे आते हैं, जिसका नाम है स्वादिष्ठान सैक्रल चक्र। स्वादिष्ठान सैक्रल चक्र, ये आपका चक्र नाभि से 2 या 3 इंच नीचे के आसपास होता है। इसका कलर होता है ऑरेंज कलर में होता है। इसका मंत्र गिनते हैं वम। इसमें सारे सेक्स ऑर्गन आ जाते हैं, सेक्सुअलिटी को प्रेजेंट करता है। आपकी जितनी भी डिज़ायर हैं वो भी यहीं से जुड़ी हुई होती हैं। इसका तत्व होता है जल। तो आप जितना भी नेचुरल पानी है या नेचर में जाएं, तो सैक्रल चक्र के ऊपर झरने का पानी या गंगा का पानी रोज़ इस्तेमाल करें। मैं चाहूँगा कि अगर गंगा वाटर है तो एक छींटा आप नाभि के आसपास डेली मारें, तो आपका सैक्रल चक्र भी बैलेंस होता रहेगा। या आप मंत्र भी चैंट कर सकते हैं, यदि आप हीलर हैं तो हीलिंग भी कर सकते हैं उसके लिए। तीसरा चक्र मणिपुर चक्र, सोलर प्लेक्सस जिसको कहा गया है। मणिपुर चक्र का कलर पीला होता है, येलो कलर बोलते हैं। ये नाभि से 3 इंच ऊपर होता है। इस चक्र का कार्य है आपके पेट के जितने भी ऑर्गन हैं, आपकी पाचन शक्ति, आपका लीवर, पैनक्रियाज, गॉल ब्लैडर, इन सभी चीज़ों को वो सही तरीके से चलाना इसका कार्य है। साथ में आपकी लाइफ में येलो कलर की कमी होने से बिजनेस पे इफेक्ट होना, पैसे की कमी होना, ये सब चीज़ें भी आपकी लाइफ में आ सकती हैं। शुगर जैसी बीमारी, ऐसी बीमारियां सिर्फ आपके सोलर प्लेक्सस के बिगड़ने की वजह से आ सकती हैं। इसका मंत्र होता है रम, पीला कलर होता है। चाहे तो आप मंत्र चैंट कर सकते हैं, या अग्नि तत्व होता है। अब यज्ञ हवन अगर आप करते रहते हैं या एक दीपक डेली जलाते हैं पीपल के वृक्ष के नीचे, तो आपका ये चक्र मजबूत हो सकता है। साथ में सूर्य भगवान का धन्यवाद करते रहेंगे तो आपका ये चक्र ठीक रहेगा, क्योंकि सूर्य अग्नि तत्व का प्रतीक है।
हमारे यहाँ पांच एलिमेंट में, और सूर्य अग्नि का प्रतीक है, जिसकी वजह से सूर्य को हमें धन्यवाद करना चाहिए क्योंकि वह हमें जीवन देता है। सभी तत्वों को धन्यवाद करने की प्रक्रिया यही है कि हे सूर्यदेव या हे पृथ्वी माता या हे वायु देवता, मैं आपका आभार व्यक्त करता हूँ, आपने हमें जीवन जीने के लिए अपनी हवा, अपना पानी या फिर अपनी अग्नि प्रदान की, अपनी ऊर्जा प्रदान की, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इस तरीके से आप आभार मान सकते हैं तो आपका यह चक्र सही होता रहेगा। इसके बाद हार्ट चक्र आता है, हृदय चक्र जिसको बोलते हैं, अनाहत चक्र जिसको बोलते हैं। अनाहत चक्र में ग्रीन कलर होता है और ये सीने के बिल्कुल बीचों बीच होता है, और यहाँ से इमोशन, प्यार, भावनाएं जागृत होती हैं। जितना भी आपको बीपी वगैरह की जो प्रॉब्लम्स होती हैं, जो हार्ट से रिलेटेड, ब्लड से रिलेटेड प्रॉब्लम्स होती हैं, अनाहत चक्र से जुड़ी हुई हैं। अनाहत चक्र अगर डिस्टर्ब है तो आपको घबराहट, हार्ट से रिलेटेड प्रॉब्लम्स, इमोशन, रिश्तों का सही ना रहना, रिश्ते बिगड़ जाना, ऐसी प्रॉब्लम्स आएंगी। तो इस चक्र को बैलेंस करने के लिए इसका देखो तत्व होता वायु। तो आप पेड़ पौधों से प्रेम करना स्टार्ट कर दो, पेड़ पौधे लगाना स्टार्ट कर दो, उनको जल देना स्टार्ट कर दो, उनके नीचे दीपक जलाना स्टार्ट कर दो, साथ में धन्यवाद व्यक्त करते रहेंगे तो अगर वायु एलिमेंट को बैलेंस करेंगे तो ये चक्र ऑटोमेटिकली ठीक हो जाएगा। साथ में मैं बताता चल रहा हूँ आपको कि सेम कलर जो मैं बता रहा हूँ उस कलर के कपड़े भी धारण कर सकते हैं अगर आपको उससे रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है तो। हार्ट चक्र को हील करने के लिए पिंक कलर का भी यूज़ किया गया, गुलाबी कलर का भी आप कपड़ा पहन सकते हैं या हरे कलर का, दोनों में से कुछ भी यूज कर सकते हैं, जिससे आपके रिश्तों में सुधार आएगा। इसके ऊपर चक्र आता है हमारा थ्रोट चक्र, विशुद्धि जिसको बोलते हैं, ये आसमानी कलर का होता है, स्काई कलर का होता है। थ्रोट चक्र हमारे बोलने के लिए, हमारे गले में जितनी प्रॉब्लम्स होती हैं, थायराइड से रिलेटेड जितनी प्रॉब्लम्स होती हैं, साथ में भगवान से जोड़ने के लिए, भगवान का कीर्तन भजन मंगन करने के लिए ये चक्र जिम्मेदार होता है। यदि आपकी भाषा खराब हो गई, आपको लगता है कि आपकी बात सुनते ही लोग नाराज हो जाते हैं, आप अच्छा बोलने की कोशिश करते हो फिर भी, तो आप इस चक्र को बैलेंस करें। इस चक्र को बैलेंस करने के लिए स्पेस, खाली जगह का धन्यवाद करें, साथ में आकाश तत्व का धन्यवाद करें, साथ में गले में कोई भी आसमानी कलर का लॉकेट या पेंडेंट डाल सकें तो डालें। अगर आपको ये सब नहीं अच्छा लगता है, आप इन सब चीज़ों से दूर हैं, तो उस कलर का कोई भी कपड़ा आप पहन सकते हैं, ये आपके लिए लाभकर होगा। आगे बढ़ते हैं थर्ड आई चक्र। थर्ड आई चक्र को कहा गया है, इसमें पांचों तत्व होते हैं। अगर थर्ड आई चक्र अनबैलेंस हो गया तो पूरा दिमाग का सेंटर बिगड़ जाता है। एंजाइटी, ओसीडी, डिप्रेशन, फियर, फोबिया, ये सारे थर्ड आई चक्र से आते हैं। जितना भी भूत प्रेत, ये प्रक्रिया सारे थर्ड आई के बिगड़ने से होती है। इसको बैलेंस करने के लिए इसका इंडिगो ब्लू कलर है, इसको आज्ञा चक्र भी बोलते हैं। साथ में इसका कलर होता है इंडिगो ब्लू, आज्ञा चक्र, साथ में इसका मंत्र होता है ओम। तो चाहे तो मंत्र चैंट कर लीजिए और चाहे तो आप इसके अनुसार कलर का चयन करके उस कलर की चीज़ों का इस्तेमाल कर सकते हैं। और इसमें पांचों तत्व हैं तो पांचों तत्व का आभार मानेंगे तो यह चक्र आपका सही रहेगा। आगे बढ़ते हैं सहस्त्रहार चक्र, क्राउन चक्र जिसको बोलते हैं। इसका पर्पल कलर बताया गया है, मंत्र इसका भी ओम कहा जाता है, साथ में ये हमारे बिल्कुल सर के ऊपर बैठता है। तो इसके बिगड़ने से भी हमारे मस्तिष्क से रिलेटेड प्रॉब्लम्स आ सकती हैं, साथ में भगवान से आने वाली ब्लेसिंग पे भी फर्क पड़ता है। जिसको आप लोग बोलते हो किस्मत बिगड़ना बदलना, उसका भी कहीं ना कहीं यहाँ से संबंध है। तो इसको बैलेंस करने के लिए जामुनी कलर की चीज़ें, बैंगनी कलर की चीज़ें, ऐसी चीज़ें आप खा भी सकते हैं, पहन भी सकते हैं। जैसा मैं पहले बताता चला आया हूँ कि आप उस टाइप की चीज़ों का इस्तेमाल भी करें। ज़्यादा डिटेलिंग बताऊँगा तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, इसलिए उन चीज़ों का इस्तेमाल भी कर सकते हैं, खाने में भी और पहनने में भी। और साथ में उससे रिलेटेड एलिमेंट को आप धन्यवाद करेंगे तो आपका चक्र बैलेंस हो जाएगा। इन चक्रों को बैलेंस करने के लिए कुछ म्यूजिक्स भी आते हैं, वो सुन सकते हैं। खास करके थर्ड आई चक्र के लिए, जहाँ से सारे तत्व तो बैलेंस होते हैं, उसका हमारे यहाँ पे थर्ड आई एक्टिवेशन नामक एक प्रोग्राम होता है। दिल्ली, मुंबई, कई शहरों में हम लोग प्रोग्राम कराते हैं, तो उसको भी आप अटेंड कर सकते हैं।
कुछ देर के लिए क्लास मुफ्त में होती है, फ्री होती है, लेकिन आगे के कुछ जो वर्कशॉप्स हैं उनमें कुछ धनराशि, कुछ दक्षिणा शुल्क आप लोगों से लिया जाता है। तो आप इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। यदि आपको जानकारी कुछ अच्छी लगी हो, पसंद आई हो, तो अपने दोस्तों में शेयर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, और एक लाइक भी अगर दबा देंगे तो हमारे लिए अच्छा रहेगा। धन्यवाद।